जी तो अस्सलाम वालेकुम। तो खान बाबा गैंग व्लॉग एक नई वीडियो से हाजिर है। तो आज ईद का तीसरा दिन आपको जैसे पता है, तो आज हम आए हैं लैलपुर गैलरी। ये लैलपुर गैलरी है सारी, ये पीछे देख सकते हैं सारी ऑटोमेटिक। और ये लैलपुर गैलरी आप नाम आपने सुना होगा कि बहुत पुराना नाम है। तो ये लैलपुर गैलरी जो है फैसलाबाद का बहुत कदीम नाम है, जो कि फैसलाबाद से पहले का नाम है लैलपुर इलाके का नाम, तो अब इसका नाम फैसलाबाद है। तो अब आपको दिखाते हैं लैलपुर गैलरी जाके अंदर से। और आदिल भी हमारे साथ और आसम भाई भी हैं। आने में तारीख से धूप बहुत ज़्यादा है, तो अभी आपको दिखाते हैं लैलपुर गैलरी कैसी है, तो क्या सूरत है इसके अंदर सी। तो फैसलाबाद में आज कोई ये दिखाएंगे और हम खुद भी देखेंगे जैसे फर्स्ट हमारा ही फर्स्ट टाइम है। तो फिलहाल एंट्रेंस है अभी, तो एंट्रेंस में जो कि आपको पता कैमरा शैमरा अलाउ नहीं होता, तो अभी हम कैमरा बंद करेंगे और वहाँ अंदर जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या व्यू है। ये लैलपुर गैलरी के जैसे कि हम अंदर आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी वॉच जो लगी हुई है 12 महीने में भी पड़े हुए हैं, 10 मिनट 15 मिनट। तो फिलहाल अंदर आ गए हुए एंट्रेंस पे। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे थे कि आप वीडियो शीडियो ना बनाए, तो ज़रा अब अंदर आए तो अब बनाइए ज़रा। तो फिलहाल अब देखेंगे अंदर, अभी तो ज़रा फोटो शोटो निकाल लें। अब हमने कहा ज़रा फोटो शोटो भी देखनी चाहिए, आसिम साहब भी हमारे साथ है, तो अभी फ़ोटो शोटो तो शूट करके तो फिर देखते थे जाके। ये लिफ्ट वगैरह लगी हुई है अंदर, तो अभी फ़िलहाल सुबह सुबह का टाइम है, आपको पता जैसे कि रात को ये ज़रा गहमा गहमी वाला इलाका, तो अभी सन्नाटा ही है जी। तो बाहर से आपने व्यू देखा, उसके बाद हम अंदर आए, तो अंदर का व्यू भी आप देख रहे हैं। अंदर भी ईद की वजह से बहुत लाइट शेडिंग हुई है, तो बड़ा खूबसूरत सा माहौल है, क्योंकि मॉल खूबसूरत होने की वजह से, तो फिर आपको पता है फिर खाबे शाबे भी चल रहे हैं इस तरफ से, और फैमिलीज़ वगैरह भी आई हैं, तो इसलिए ज़रा कैमरा घुमाने से कतरा रहे हैं हम लोग भी कि फैमिली वगैरह आई हैं। तो हाँ जी आजीज भाई, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त है, तो कितनी बार दफ़ा जी। तो आसिफ भैया आपको कैसा लग रहा है? बेस्ट है यार, बहुत अच्छा माहौल है, घूमने के लिए भी अच्छी जगह और वैसे भी विजिट के लिए बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। नहीं होना चाहिए, अगर हमारे लाहौर को इतनी फैसिलिटी मौजूद है, लाहौर में अगर ऐसे वैसे अच्छे माहौल मौजूद है, तो फैसलाबादियों के लिए भी होना चाहिए। जुफ्तों के मास्टर हैं, तो इनको भी चाहिए ना कि इनके लिए कोई अच्छी जगह होनी चाहिए वगैरह चाहिए। तो अभी हम फिलहाल उस ऊपर से लिफ्ट जाएंगे, ऊपर वाला दिखाएंगे आपको पोशन। तो यहाँ भी पोशन भी बहुत अच्छे से हैं, खूबसूरत तैयार हुई है। फैसलाबाद के लिए बहुत अच्छा मौका ये घूमने फिरने का, और जैसे हम लाहौर वाले कहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे इलाके हैं, तो इसी तरह इनके लिए भी बहुत अच्छे से इलाके हैं, और अच्छी बात है, इस तरह होना चाहिए, इनको भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, अच्छे से इलाके देखने को मिलने चाहिए। तो ऊपर फ्लोर में आके नीचे से आपको दिखा रहे हैं, देखिए ज़रा नीचे फ्लोर से ऊपर तक का सफ़र कैसा रहा। ये लिफ्ट सर्विस वगैरह, ये सामने ब्रांड्स, ये आदिल भाई और आसिम भाई घूम फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो अभी हम भी देखते हैं इंजॉय करते हैं नीचे से। इधर फिलहाल फैमिली वगैरह लेबर्स वगैरह जो हिसाब किताब इनका खाने शाने का, तो अभी फिलहाल हम भी देखते हैं इधर से, देखते क्या सूरत हाल है इनकी। ये बात अच्छी है कि क्या नाम है, सफाई सुथराई का माहौल अच्छा है इधर का, जो कि हर माहौल में एक अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई हमारे मुसलमानों के लिए सफाई नफ़ सामान है ख़ासतौर पर। और ये हम तीनों ने आज सेम ड्रेसिंग भी की, ये भी ज़रा देख के बताया ज़रा कैसी है सेम ड्रेसिंग, और ये सेम ड्रेसिंग वगैरह को देखते हैं। और ये तोते शोते भी आप देख सकते हैं यहाँ, तोते ने रखे हुए। और अभी ऊपर कॉर्नर पे जाते हैं जो लास्ट कॉर्नर है, और एक बेसमेंट रह जाएगा, तो वो बेसमेंट और कॉर्नर को देखते हैं कि उधर क्या। ऊपर वैसे अमूमन तो फूड कॉर्नर ही होते हैं, वो लिख के भी लगाया के एफ सी वगैरह मैकडोनल्ड, तो ऊपर वही होगा। चले के एफ सी मैकडोनल्ड भी देख लेते हैं कि इनका क्या मेयार है, क्या सूरत हाल है यहाँ। फूड कॉर्नर में मैकडोनल्ड वगैरह और पिज़्ज़ा हट वगैरह सारे अच्छे अच्छे ब्रांड मौजूद हैं, जो कि खुशाइन बात है। और मसाज की मशीनें भी वगैरह मौजूद है, गेमिंग भी है, गेमिंग जोन भी है, तो सारा अच्छा निज़ाम है, अच्छे इंतजाम है, हमें अच्छा लगा घूम फिर के यहाँ। तो हमें ये भी चाहेंगे कि आप भी यहाँ फैसलाबाद जब भी आएँ तो लैलपुर गैलरी पर ज़रूर आएँ, जो कि फैसलाबाद का धीमी नाम है। आप लैलपुर समझ लो ये कहाँ आए हुए हैं, तो ये फैसलाबाद का धीमी एक नाम है, तो इसको ज़रूर विज़िट करें आप लोग यहाँ से। और हमने तो विज़िट किया, मैं तो बहुत मज़ा आया। अभी आपको बेसमेंट दिखाएंगे, जो लास्ट पोर्शन रह गया हमारा बेसमेंट आपको दिखाएंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखेंगे क्या सूरत हाल है। तो बेसमेंट में जैसे कि हम आए, तो आपको बताया था आखिरी फ्लोर रह गया, तो आखिरी फ्लोर जो है वो कार फ्लोर है सारा, ऑल टू ऑल। तो कार फ्लोर मतलब कि आपको सारी ऑल टू ऑल आइटम्स इन्होंने रखी हुई हैं, तो जो कि देख सकते हैं अभी यहाँ मिल्क पैक वगैरह, दूध वगैरह का सारा कॉर्नर प्लाट है, कॉफीज़ वगैरह और कपड़े शपड़े जी। तो हम अब आ ही रहे हैं लैलपुर गैलरी से, आपने देखी लैलपुर गैलरी कैसी लग रही है आपको,
बहुत ही खूबसूरत व्यू था अंदर आपको दिखाया हमने, तो आदर भाई को बहुत मज़ा आया। आदर भाई पहले भी देखी, जब मैंने देखा मैं बहुत मज़ा आया। आसम भाई आपको कैसा लगा? बहुत मज़ा आया यार, बहुत अच्छी गैलरी बनी हुई है, शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी प्लेस है, फैसलाबाद की बहुत फेमस प्लेस है ये। तो हम कहें आप जब भी फैसलाबाद आए लालपुर गैलरी ज़रूर आएँ और यहाँ खूब मज़े इंजॉय करें और अच्छे से खाबे शाबे खाएँ। हमने खाबे शाबे इसलिए नहीं खाए, हमें सुबह भी नाश्ता करके आए थे अभी भी, तो इसलिए हमने खाबे शाबे नहीं खाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आएँगे तो खाबे शाबे ज़रूर खाएँगे। तो इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट में, और खान बाबा गैंग ब्लॉग को अगली वीडियो तक इजाज़त दें अल्लाह ने के बाद।